हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूं। शाम का टाइम है और इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो गया। और गर्मी के टाइम पे ये हवा वाला मौसम जो है ना, एकदम तेज़ हवा, ठंडा हवा वाला मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड। तो अभी मैं मतलब पार्लर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और बाहर का मौसम देखिए कितना अच्छा है। आज हस्बैंड को बोली थी थोड़ा सा जल्दी घर आ जाने के लिए, तो पतिदेव थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। जैसे कितने बजे, लाइक 5:45 में मैं पार्लर में फ़ोन करके पूछी थी दीदी से कितने बजे तक पार्लर ऑन रहेगा, मतलब खुला रहेगा, ओपन रहेगा, सॉरी ऑन रहेगा बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा था 6:30 तक, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी से पार्लर आ गई हूँ। थोड़ा सा आईब्रो बनवाया है और फिर मैंने क्लीनअप जो है वो थोड़ा सा किया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक सारे कपड़े हैं ना वो आ रहा है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से बहुत कुछ शॉपिंग किया है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो फिर मैंने कहा था भी कि मैं और भी कुछ नहीं मंगाया है क्योंकि शादी का सीज़न आने वाला है। गाइस, शादी का सीज़न आया हुआ है तो उसके लिए भी मैंने मंगाया, साथ में गर्मी के लिए भी। मतलब होता नहीं कि लाइट वेट साड़ी हमें चाहिए। गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, लाइट वेट साड़ी पहना तो सही रहता है और भारी भरकम साड़ी ना मतलब होता नहीं है, कैरी नहीं हो पाता भारी भरकम साड़ी। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं ये साड़ी शेयर करती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब एक तो लाइट कलर भी है, तो गर्मी के टाइम पे यार डिप कर पहनने का भी नहीं मन करता। काफ़ी ज़्यादा लाइट है और इसमें इस तरीका से आपको मिलेगा, पूरा प्रिंट इस तरीका से मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको ब्लाउज पीसेस भी है और आप इसको अपने हिसाब से ब्लाउज पीस जो है वो स्टिच करवा सकते हैं। इसमें इस तरीके से वाइट कलर का देख सकते हैं, वाइट कलर का प्रिंट आता है और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने भी इसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया है और इस पर मैं रील बनाऊँगी तो आप लोग देखिएगा ही कि कितना सुंदर लगता है, है ना। उसके बाद नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसका ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ आता है, आप देख सकते हैं। ये साड़ी वाइट कलर नहीं है, ये साड़ी जो क्रीम कलर होता है ना, लाइक ऑफ वाइट जो होता है वो उस टाइप में कलर है और इस तरीके से पूरा प्रिंट आउट है, जो कि साड़ी का लुक जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और साथ में इसमें आपको मिल जाएगा मिरर वर्क, ये देखिए फ्लावर्स में ना मिरर वर्क बना हुआ है और साइड से इस तरीके से थ्रेडिंग का लेस बना हुआ है, तो इसलिए ये साड़ी ना मतलब अलग ही लुक की साड़ी का आता है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस ब्लाउज के साथ इसको पहनोगे, बाकी इसमें ब्लाउज पीस दिया हुआ है। आप इसके पास येल्लो, ऑरेंज, रेड कुछ भी हो तो आप इस पर कैरी कर सकते हो ब्लाउज। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाली साड़ी चुंदरी प्रिंट की, जयपुरी साड़ी, बहुत अच्छा लगता है चुंदरी प्रिंट मुझे। इसमें मेरे पास पिंक कलर भी है, आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था एक बार। ये मैंने लिया है पर्पल कलर का, क्योंकि आपको पता ही है मुझे पर्पल कलर कितना ज़्यादा पसंद है, तो ये वाला मैंने पर्पल लिया है। इसके साथ भी आपको ब्लाउज पीसेस आ जाएगा और ये भी साड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, डेली यूज़ के लिए या कहीं आपको मार्केट जाना है या ट्रैवलिंग के लिए, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात है रीजनेबल रेंज में, अमेज़ॉन से आपको हमेशा ही रीजनेबल रेंज में अच्छी चीज़ें मिलती है और अच्छे दाम में मिलता है ना, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स एक एक रुपए बचा के एक एक चीज़ लेते हैं। इसी तरीके से मैंने एक रुपये बचा के ये जितनी भी साड़ी है ना ये है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया है अगेन ये एक लाइट वेट साड़ी है, इसका ब्लाउज पीस आपको इस तरीके का मिल जाएगा। अगर आपको ये ब्लाउज नहीं सिलवाना होगा, ये गोल्डन कलर का है, ऐसे गोल्डन कलर का तो ब्लाउज सिलवा लीजिएगा तो बहुत सारे साड़ी पर चल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं सिलवा है तो कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है। तो ये आप किसी भी कलर पे पहन सकते हो, लाइक पिंक भी पहन सकते हो, ऑरेंज भी पहन सकते हो, इसमें बूटी दिया हुआ है और ये साड़ी देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा है और पूरा सिफॉन का साड़ी है, तो मुझे ये साड़ी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं ये साड़ी जब पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत सारा नवरात्रा भी आएगा, उस टाइम भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, लाइक गणेश पूजा भी है तो उसके लिए मुझे 2-3 साड़ी चाहिए होता है हर एक दिन पहनने के लिए। तो मैं पता है शॉपिंग जो होता है ना, मैं पहले से सब चीज़ करके रखती हूँ क्योंकि एट अ टाइम अपना कपड़ा लूँगी कि बच्चों का कपड़ा लूँगी कि हस्बैंड का कपड़ा लूँगी, तो इसलिए मैं कोई भी शॉपिंग अपने लिए
एट अ टाइम नहीं करती, मैं अपना शॉपिंग पहले से करके रखती हूँ। और ये एक साड़ी है, रफल साड़ी, मैं यहाँ पर दिखा दूंगी, मैंने रील भी बनाया है और साथ में जो फोटोज़ है वो भी दिखा दूंगी। तो ये साड़ी अलग ही लुक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ आपको बेल्ट मिल जाता है, साथ में इसके इसमें ब्लाउज पीस भी है। और ये पूरा रफल साड़ी है, ये देखिए इस तरीके से ये साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। ये देखिए इस तरीका का साड़ी है, रेडी टू स्टिच नहीं है लेकिन ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने खुद पहना रील्स बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इन सब का लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, तो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अभी ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज है मंगलवार, कल था सोमवार। कल रात को थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट की थी, रात नहीं होता शाम हो रहा था, लेकिन ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि पार्लर गई, पार्लर से आने मुझे टाइम लग गया था गाइस। सो अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पर अपना पानी, गर्म पानी करके। ईशांक रेडी, अभी उसको मतलब ड्रेस पहना दी हूँ, हॉर्लिक्स दी हूँ पीने के लिए। इधर आ बेटा, इधर आ मम्मी के पास। अब इसका बाल ठीक करेंगे गाइस, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का क्योंकि रात में मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। छोटे वाले बाबू को ना तबीयत ठीक नहीं है, ईशांक का, छोटा वाला बेटा का मेरा मतलब थोड़ा सा फीवर हो गया है। तो समझ सकते, इतना छोटा सा बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, जब उसको टच की देखी फीवर हो गया, तुरंत मेडिसिन नहीं दी क्योंकि फीवर के तुरंत मेडिसिन नहीं दिया जाता है जैसा मुझे पता है। तो फिर मैंने अब मतलब बहुत देर के बाद उसको मेडिसिन दी। और यहाँ पे ये हो चुका है रेडी स्कूल जाने के लिए, और अभी बाल बाल ठीक नहीं किया, अभी बाल बाल इसका ठीक करेंगे। सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, सोना जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। मम्मी कैसे बोल रही, वैसे बोलो, इतना जो इतना धीरे बोले, किसी को सुनाई दिया? किसी को सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो जैसे मम्मी बोल रही है। तो जल्दी हॉर्लिक्स पियो, जल्दी पियो। पीने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, मतलब ये सब चीज़ पीने का मन नहीं करता बच्चों को। सो अभी इसको टिफिन में बना के दे दी हूँ, और अभी बहुत सारा काम है घर का। सो चलिए आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको अपने छोटे बेटे से मिलाती हूँ। पानी इधर से फिर उधर से गिर रहा है। ए लादा, देखिए कैमरा जैसे लेके आऊंगी उसको पता चल जाता है कैमरा आ रहा है। स्माइल लादा, स्माइल, गुड मॉर्निंग। आप भी बोल रहे सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोल दो मुझे फीवर हो गया है, मम्मी दवाई दी है। कल रात में आप मम्मी को छोने नहीं दिए थे ना, थोड़ा सा भी छोने दिया। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला बात हो गया। चाय चढ़ा के गई एकदम धीमे से फ्लेम में, फिर भी चाय देखिए पूरा बॉयल आके ऊपर आ गया, पूरा गिर गया। और फिर से मुझे भी ये पोछना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम हो गया। तो चाय वाय बना के दे दी थी, उसके बाद जो कूड़ा वाले हैं वो आ गए थे। तो हमेशा हमारे यहाँ ना डेली डेली कूड़ा वाले नहीं आते, हफ्ते में 2 दिन ही आते, कूड़ा पूरा जमा हो जाता है। और पता है आपको इतना चींटी लग जाता है ना कूड़ा में कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड चींटी लग जाता है पूरा जितना भी कूड़ा रहता है ना उसमें। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं और फेंकने का ऑप्शन नहीं है कि हम लोग फेंकेंगे कूड़ा। तो जो यहाँ पे है बस 2 ही दिन हफ्ता में आता ही है कूड़ा वाला। तो जी चलिए अभी घर का तो मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है, और इतना ज़्यादा डस्ट जो है ना इतना ज़्यादा गिरता है, मतलब पूरी बालकोनी में इतना ज़्यादा डस्ट होता है ना। मैं ना डेली मतलब कपड़ा यहाँ पे सूखने के लिए देती हूँ ना, उससे पहले मैं डेली के डेली क्या करती हूँ कि पूरा ये जो ग्रिल है ना पूरा मुझे साफ़ करना पड़ता है डेली। और आज तो पूरा बालकनी का ना मतलब पूरा एकदम हालत जो है ना एकदम बेकार हो गया था, पूरा डस्ट डस्ट पूरा हर जगह था। तो मैं सोची कि आज इसकी अच्छी सी सफाई जो है कर लूँगी, तो इसीलिए मैंने पूरा पानी जो है पहले बालकनी में सोची पूरा पानी डाल के अच्छे से बालकनी जो है वो धो देती हूँ। होता क्या है कि बालकनी अगर थोड़ा सा भी गंदा रहता है ना
तो पूरा रिशांग जब आता है ना तो पूरा पैर से मतलब पूरा गंदा ना रूम में चला जाता है, और फिर बेडशीट पे मतलब बेड पे बैठ जाता है, चेयर पे बैठ जाता है, सोफा पे बैठ जाता है, तो सब कुछ गंदा गंदा सा ना हो जाता है। तो अभी मैं सोची कि सारे जितने भी मतलब धूल मिट्टी है ना सबको पानी से अच्छे से एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो पता है आपको, मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि धूप इतना तेज़ था ना, धूप में काम करने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, करना ही है। अगर नहीं करूँगी तो फिर वो मतलब धूल धूल सा ही रहेगा। तो मैंने लगा दिया है पाइप, और पाइप लगा के मैं यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी प्लांट्स में है, प्लांट्स में पानी भी दे दूँगी और सबके सब धो दूँगी इस तरीके से। अगर ईशांग आ जाता ना उसके सामने करते तो वो मुझे करने नहीं देता और ख़ुद ही करने बोलता, मम्मी लाओ हम कर दे हम कर दे। ऐसे करके ना बच्चा लोग ना परेशान करने लगता है, कोई भी काम अगर बच्चों के सामने आप कीजिए ना तो बच्चे आपको पूरा का पूरा ना परेशान करके रख देंगे। उसके बाद अभी मुझे पोछा भी लगाना है, बहुत सारा काम है, और आज रंजना भी नहीं आई है तो समझिए कि कितना सारा काम मेरे लिए भरा हुआ है। वो बहुत लेट से आएगी आज, तो अगर वो ज़्यादा लेट से आएगी तो उतना लेट से तो पोछा तो नहीं लगेगा घर में। चलिए बर्तन है तो चलिए देर से भी धुल जाएगा, लेकिन पोछा तो नहीं लगेगा उतना लेट से। तो इसीलिए मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, और ये सारे फूल के पेड़ में पानी दे देती हूँ। इतना धूप तेज़ होता है ना, दो टाइम भी पानी देती हूँ ना फिर भी थोड़ा सा धूप में ना पूरा का पूरा ना सूख जाता है पेड़, बहुत जल्दी सूख जाता है। और पता है मेरा बालकनी का क्या है ना कि मतलब जैसे लंबाई तो बहुत है लेकिन चौड़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से उधर जाना आना जो है होता है, पर मुझे ना मतलब पौधों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इस वजह से मैं प्लांट्स कुछ लगा के रखी हूँ, नहीं तो नहीं भी लगाते, लेकिन प्लांट्स लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बालकनी में प्लांट्स रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, आपको खुद भी पॉजिटिव फीलिंग होगा जब इसके आसपास रहोगे। ग्रीन प्लांट्स का यही फ़ायदा होता है कि आप इनके पास रहोगे ना तो आप भी एक पॉजिटिव फील करोगे। उसके बाद अच्छे से पानी जो है पाइप से मैंने दे दिया है, और यहाँ पे मैं अच्छे से ये सब जो है बालकनी पूरा जो है क्लीन करने लगी हूँ। बहुत टाइम लग गया था फ्रेंड, वीडियो तो मान लीजिए थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। पूरा काम करते करते हालत जो है ना पूरा मेरा ख़राब हो गया था, और धूप ही उतना तेज़ धूप था ना कि आप देख सकते हैं कितना तेज़ बालकनी में धूप है। लेकिन यही सोची कि अगर अच्छे से मैं साफ़ कर दूंगी ना तो ये धूप है अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छे से ना सूख जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू मार के, और मिट्टी मिट्टी हो जाता है ना, होता क्या है जो भी गमले से मिट्टी है ना पानी वानी हम लोग डालते हैं ना तो गमले से मिट्टी नीचे जो है निकलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है। तो इन सबको अच्छे से मैंने मतलब धो दिया है, साफ़ कर दिया है, और इसके बाद अभी सीधे चलेंगे रूम में, और रूम में पोछा ओछा जो है वो लगा लेंगे। और इसके बाद और तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं क्योंकि सुबह सुबह ही मैं काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली थी। पूरे घर में मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, रंजना को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है इसलिए मैं सोची कि अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है, आधा काम करो आधा काम ना करो ना तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं अपना काम जो है फटाफट से निपटा लेती, अब कितना देर मैं रंजना का वेट करती क्योंकि वो भी कुछ ज़रूरी काम से गई हुई थी, तो उसको भी बोल नहीं सकते कि हाँ आप क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए सबके घर में बच्चे हैं, फैमिली है, अपना अपना काम है ना, तो छुट्टी तो सबको चाहिए। हालांकि मैं जितने दिन जब नहीं रहती हूँ तो छुट्टी रहता है, या जब बर्तन घर में नहीं रहता है इवनिंग के टाइम पे तो मैं रंजना की छुट्टी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, उसको ज़रूरी काम था तो उसने छुट्टी लिया। यही रहा कि अगर आपको टाइम से पता चल जाना कि मतलब आपके घर में जो काम करने वाले हो छुट्टी में है तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, आप आराम से अपना सुबह उठ के जल्दी काम कर लोगे। लेकिन वही जब आपको लेट से पता चलता है कि वो नहीं आने वाली है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड। तो चलिए अभी मैंने पूरा ये भी साफ़ कर लिया है क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए, सारे कपड़े धोएंगे तो सुखाऊंगी कहाँ पर, तो सारे कपड़े को मैंने कर लिया था क्लीन और मतलब पसारने के लिए पूरा ग्रिल की साफ़ कर ली थी। इसके बाद मैं यहाँ पे हॉल में आके पूरा हॉल में जो है पोछा लगाऊंगी, बेडरूम में पोछा लगाऊंगी, किचन में पोछा लगाऊंगी, तो बस मेरा काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और इस टाइम पे पता है अभी मैंने पूजा भी नहीं किया, इसके वजह से मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ क्योंकि आज महावीर जयंती भी है, मतलब हनुमान जयंती भी है, और उसके बाद आज मंगलवार भी है। तो इसीलिए मैं सोची थी कि नहीं पहले अपना घर का फटाफट से सारा काम जो है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद अपना जो बाकी का काम है वो
करेंगे नहा, पहले तो पोछा लगाने के बाद मैं सीधे नहाऊंगी, नहा के पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी खाने के बाद ही, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचा। सुबह से काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और पता है जब धूप में आपको थोड़ा सा भी काम करने को मिले ना, मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट जो है ना वो हो ही जाता है फ्रेंड। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोग के कमेंट्स के मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। मुझे जिसका कमेंट बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लगता है तो मैं उस कमेंट को पीन भी करती हूँ। जैसे कल मुझे कमेंट भी आया, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत पॉजिटिव कमेंट एंड मोटिवेट करने वाला कमेंट था कि आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे लेकिन मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। तो जी बिल्कुल सही बात है, दूसरों में कमी ढूंढने से अच्छा है फ्रेंड मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और कुछ काम करिए और अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने सबको देखिए, क्योंकि दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की चुगली करने से लाइफ नहीं चलती है। लाइफ में कुछ करना पड़ता है तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरों में कमी निकालने से अच्छा है आप खुद की कमी देखिए कि आप में क्या कमी है और आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हो, जैसे प्यार कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। और चैनल पे सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से मेरा 50K सब्सक्राइबर कर दो फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी सीधे मैं नहाऊंगी और आप लोग से मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर।